पाँच सालों में उत्पादन नहीं बढ़ने की वजह से किसी को सिट डाउन नहीं मिलता है, उसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती है, तो पीक आवर्स में जब लोड ज़्यादा होता है तो वो आज जवाब दे रहे हैं। उसका ये कारण है कि हमने पिछले पाँच सालों में कोई असेसमेंट नहीं किया कैसे तंत्र को हम आगे लेके जाएंगे। हमने तो आग लगने के बाद कुआं खोदने का काम किया इस पाँच साल में गहलोत सरकार ने, वो नहीं होता है। आज हम जरूरत पड़ रही है तभी हम एक्सचेंज में जाकर के महंगी दरों पर बिजली खरीदने का काम कर रहे हैं। मेरी बात मेरी समाधान बता रहा हूँ मैं आपको, पहले आप पूरी बात। समाधान तो ये है नहीं कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं। जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही हो उसको सुचारू करेंगे, कहीं लीकेज हो रहा है उसको हम रोकेंगे, कहीं चोरी हो रहा है उसको रोकेंगे, पानी का तो वही करेंगे। तो पर पानी और बिजली की जब बात करते हैं तो कोई जिम्मेदार सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री उसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके के माननीय जलदाय मंत्री जी ने कल बयान दिया है, ये बहुत ही खेद का विषय है कि इस प्रकार से उस जनता की पीड़ा को उन्होंने किस प्रकार मजाक में उड़ा दिया। मैं समझता हूं कि ये एक लोकप्रिय सरकार की निशानी नहीं है। नमस्कार जनता, मैं
स्वागत आपका, मैं हूं युद्ध, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, पारा लिमिट क्रॉस कर रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि एक तरह से ये कहूं कि अगर ये कहर बरपा रहा था, एक प्राकृतिक कहर है, लेकिन इसके लिए कुछ तक हम जिम्मेदार हैं। आज उस पहलू पर चर्चा नहीं, लेकिन चर्चा यहाँ करेंगे हम कि आखिर सियासत क्या कर रही है और वास्तव में हो रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल से मुलाकात की है और कहा है कि सरकार को तैयार करना चाहिए, बिजली पानी की मूलभूत जो जरूरत है उससे बयान देने से काम नहीं चलेगा, पूरी करनी चाहिए। उन्होंने एक दिन पहले के बिजली पानी के मंत्री के बयान को भी किया है, जिसमें कन्हैयालाल जी कह रहे हैं कि मैं बालाजी नहीं हूँ जो फूंक मार के पानी पैदा कर दो, और हीरालाल नागर साहब कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के कर्म हैं उनका प्रदेश भुगतान कर रहा है। खैर, लेकिन ये सियासत का वक्त नहीं है, मुझे लगता है कि राहत का वक्त है और राहत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी सवाल कि कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से, कि जब अपोजिशन में बीजेपी थी तो 2014 से ये एनर्जी बैंक वाला सिस्टम है, 2014 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो तब सिलसिला चला था, जब नॉर्थ ग्रिड ठप हो चुकी थी तब, उसके बाद से आए दिन ये मामला चलता है, ये बिजली विभाग के सूत्र बताते हैं। लेकिन अभी नागर साहब का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से ये है। खैर, लेकिन ये सब बयानबाजी से होगा क्या? क्या राहत मिल जाएगी, या एक दूसरे के पाले में बोल डालने से राहत मिल जाएगी, या एक दूसरे को आईना दिखाने से राहत मिल जाएगी? राहत तो तभी मिलेगी जब आप धरातल पे काम करेंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। भाजपा से हमारे साथ सुरेश साहब हैं, कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जी हैं, और हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ में हैं। सुरेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस आरोप लगाए हैं कि बयानों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे मॉडल उतारना चाहिए कि हाँ इस तरह से हम राहत देंगे, क्योंकि वो बयानों को भी कोट किया सिंह डोटासरा ने कि जब हम अब सत्ता में थे और अपोजिशन में बीजेपी थी तो कुछ दिन बाद ही इस तरह की स्थितियां पैदा करना शुरू कर दी थी कि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, जबकि आहकार इन तरह नहीं मचा था। ये गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार पिछले 5 महीने से निरंतर कार्य कर रही है जनता की सेवा के लिए। जहाँ तक बिजली और पानी की समस्या है, बिजली और पानी की समस्या के लिए हमने कंट्रोल ऑफिस, कंट्रोल यूनिट भी बनाई हुई है, जगह जगह उनकी सुनवाइयाँ भी हो रही है, जगह जगह उनकी व्यवस्थाएं भी हो रही है। क्योंकि देखिए, ये गर्मी का टाइम रहता है, गर्मी के अंदर पानी की और बिजली की शॉर्टेज हमेशा रहती आई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कर्मचारियों को, इनको सब उपदेश दिए हुए हैं, अधिकारियों को भी, मंत्रियों को भी, कि भैया आप फील्ड में जाइए और जनता की सुनवाई करिए, जनता की जो भी समस्या उसको सॉल्व करिए, जो पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो उसको सॉल्व करिए। क्योंकि बिजली की समस्या तो आपने देखा होगा, बिजली का क्या इन्होंने 5 साल पहले जो एक मॉडल दिया था कि इन्होंने बिजली, महंगी बिजली खरीदी थी और फिर उसमें एक समझौता हुआ था कि आप, हम बिजली जो खरीद रहे हैं 34,000 लाख यूनिट बिजली इन्होंने ली थी और उसको बदले में उसको चुकाना था। बदले में चुकाने के लिए जो एक मैनेजमेंट बना था, एक मैनेजमेंट खाका तैयार करना, खाका तैयार नहीं होता। अब हमको महंगी बिजली खरीद के लौटानी पड़ रही है, तो महंगी बिजली खरीद के 13,600 लाख करोड़ यूनिट तो हम, लाख करोड़ यूनिट तो हम बेच चुके हैं और आने वाले टाइम में वो भी बेचने जा रहे हैं। तो मेरा एक मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर उस पर काम कर रही है कि जनता को किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी। हमारे यहाँ पे अधिकारी भी काम कर रहे हैं, कर्मचारी भी काम कर रहे हैं और जो मंत्री है वो भी रेगुलर काम कर रहे हैं, तो जनता को तकलीफ नहीं हो, हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है। जी भारद्वाज जी, कोशिश कर रही है सरकार जनता को तकलीफ नहीं हो, जनता की तकलीफ को समझ रही है, कंट्रोल रूम स्थापित है, मंत्री पूरे टाइम काम कर रहे हैं, और अगर आप लोग एग्रीमेंट नहीं करते आप बिजली सरप्लस होती कि फिर वो कहाँ काम लेते? देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि एक योग्य जनप्रतिनिधि के हाथ में सरकार होना और एक पर्ची वाले व्यक्ति के हाथ में सरकार होने में क्या फर्क है और उसका क्या नुकसान होता है, वो उसका पूरा खामियाजा प्रदेश देख भी रहा है और भुगत भी रहा है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि अब जनता ने चुना है वो, और जनता का चुनाव विधायक की वहां से ऊपर से तो थोपा नहीं। देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पर जनता के द्वारा उनको विधायक चुना गया था, परंतु
प्रकार से, हालांकि उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, और जैसा कि हमारी पार्टी में परंपरा होती है सदा कि जब हमारे विधायक दल की बैठक होती है तो विधायकों का बहुमत होता है और फिर वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। उस प्रकार अगर इनके यहाँ पे भी ऐसी कोई ये मुद्दा नहीं है आज, देखिए पर आज आपके यहाँ पे भी देखिए आपके यहाँ पे भी कल्चर यही है। आप जो कह रहे हो ना कि विधायक तय करते हैं मत के आधार पे, आपके विधायक ये एक पर्ची में एक प्रस्ताव पास करते हैं कि आला कमान पे निर्णय छोड़ा जाता है, सॉरी अब लेकिन ये अपना मुद्दा नहीं है, अपन मुद्दे पे लौटे जी। मैं योगेंद्र जी इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राज्य में महंगी बिजली हुई तो क्या उसका कारण हम लोग हैं? केंद्र सरकार भी निश्चित तौर पर बराबर की है। आपने जो है विदेशी कंपनियां जिनसे जिनका इंपोर्ट एजेंसी बढ़ाने की कंपनियां थी, आपने राज्य सरकारों को परिपत्र भेज करके रकम से 5 गुनी महंगी महंगा कोयला खरीदने के लिए आपने राज्य सरकारों को परिपत्र भेज, विदेशी कोयला आपको खरीदना पड़ेगा। उस प्रकार से दूसरी बात, सेंट्रल में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, आप कह रहे हैं बिजली लौटानी पड़ती है, जबकि ये जो मसौदा सरकार में तैयार होने की आप जो आरोप लगाते हैं इसकी प्रक्रिया सुंदरा जी की सरकार में हो चुकी है, जानकारी के लिए बता दूं। और दूसरी बात यह कि आप केंद्र सरकार से इंटरफेयर करवा सकते हैं, जरूरी थोड़ा है कि आप अभी लौटाएंगे बिजली, होल्ड कर लीजिए, करवा दीजिए, महीने की बात है, मई जून गया, जुलाई में मानसून आ जाएगा, करवा दीजिए होल्ड। परंतु ये इस बात का परिचय है कि आपकी सरकार के नेताओं की और आपकी सरकार के मुख्यमंत्री जी की सेंट्रल में भी नहीं थी कि आप केंद्र सरकार से कहकर के राज्य को कुछ राहत दिलवा पाए। दूसरी बात देखिए, पानी के बिजली की बौखलाहट आपके मंत्रियों के बयानों से लग रही है, वो अपने आप को कितना बेबस पा रहे हैं, वो कितना असक्षम, वो कितना मतलब एक अयोग्य है, वो उनके बयानों में अच्छा लगती है कि बिजली भी तो अपने अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, कह रहे हैं तो वहां पे बिजली लौटती है, और आप जलदाय मंत्री जी तो एक कदम आगे तो बोलते हैं हनुमान जी थोड़ी ना मुझे कि मैं पानी ला दूंगा। अरे भाई हनुमान जी नहीं हो आदमी हो, इस्तीफा दे दो, किसी दूसरे बेचारे किसी योग्य आदमी को मंत्री बनने दो, उसको करने दो व्यवस्था। और देखिए अब से पहले नहीं है, हमारी सरकारों का समय भी गर्मी पड़े, परंतु हमारी सरकार के समय में कंटीजेंसी फंड को सही समय पर रिलीज किया गया। आप कंटीजेंसी फंड लोकसभा चुनाव की वजह से आप तो आपके अधिकारी कह रहे हैं बोले कि हम तो उपयोग ही नहीं कर पा रहे इसका पैसे का, बोले सही समय में बनाई नहीं, आपके अधिकारी से बात कीजिए, दबी जमाने में आपकी सरकार की अधिकारी राजधानी जयपुर गांव जयपुर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे नहीं लाइट जाती है, पानी की व्यवस्था होगी कि अभी अभी हमने पढ़ा कि सरकारी टैंकर किस प्रकार से 800-800 रुपए में बिक रहे हैं, 1000-1000 रुपए में बिक रहे हैं। आप करगनी थाने में तो आप टैंकर बेचने वालों के खिलाफ अवेयरनेस दर्ज हुई है। योगेंद्र जी एक ड्राइवर की कहती औकात हो सकती है की मिली भगत के वो टैंकर ले जाकर के बाजार में बेच देगा? नहीं बेचता। आप लोग अपने सिस्टम को सुधारिए, अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये कांग्रेस जब बंद कर दीजिए, कांग्रेस जबते सत्ता में आ गए, लेकिन कांग्रेस अगर आप जबते रहे तो जनता आपको वापस भेज देगी, अपनी जारी समझिए। आप लोगों को मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आप लोग लंबे समय तक विपक्ष में रहे तो आपकी आदत हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलने की रही है, पर आप समझिए सेंट्रल में आपको सत्ता में आए 10 साल हो गए, यहां पे भी आपको 5 महीने हो गए। और दूसरी बात, 4 जून को हमारी सरकार बनने जा रही है, हम आपकी बैड प्रैक्टिस निकल लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, आपकी सरकार 4.5 साल आपको चलानी है, तो आपको 4.5 साल चलानी है, साहब बंद कीजिए, खुद की जिम्मेदारी पहचानिए। तो ये माना जाए कि राहत के बाद ही मिलेगी, देखिए बात को निश्चित तौर पर ये सरकार की क्या कार्य हम देख रहे हैं ना। आप योगेंद्र जी, आप अधिकारी से बात कीजिए, कंटीजेंसी फंड तो जनवरी दिसंबर में उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जनवरी में तो उसके टेंडर हो जाते हैं, सारे होते हैं चिन्हित करते हैं हमें किस किस पॉइंट में नए रिलीज करना होता है। और कलेक्टर्स के पास में ये मार्च के बाद में पैसा चला गया, अप्रैल में सब चाहे इलेक्शन की आचार संहिता लगी हो, कंटीजेंसी प्लान का पैसा जा चुका है, तो मेरी हमारी नोटिस में है, और जो किसी से बात भी की हम लोगों ने कि कंटीजेंसी प्लान कलेक्टर्स के पास में पहुंच गया कंटीजेंसी प्लान। हाँ ये बात अलग हो सकती है कि जो फंड है वो पर्याप्त नहीं होगा, कम हो सकता है, उपयोग में भी नहीं आ रहा। योगेंद्र जी उपयोग में भी नहीं आ रहा, फंड कम भी है उपयोग में भी नहीं आ रहा, अधिकारी संशय बना हुआ है आचार संहिता लेकर के, सरकार नीति स्पष्ट कर पाई। कल परसों की बात है तो पंत साहब है उनको बीच में इंटरफेयर करना पड़ा जलदाय विभाग के अधिकारियों को, 31 मई तक जो है इसको फंड को काम में लो आप लोग कंटीजेंसी फंड को। अधिकारियों में भ्रम की स्थिति बनी, अधिकारी कंफ्यूज है, अधिकारी देख रहे हैं भाई ये तो डबल इंजन सरकार की बात करते थे, अभी आप ट्रिपल इंजन हो गई सरकार। चलो वापस आ रहा हूं, दशरथ के पास में जाना चाहूंगा। दशरथ, पानी को लेकर आपकी बात भी हुई जलदाय मंत्री से भी, और कंटीजेंसी को लेकर के ऑफिसर से बात हुई है, तो वाकई स्थिति क्या है? राजनीति का अपना एक अलग मैटर है, वो चलती रहेगी क्योंकि आज फेस बदला है। जब गवर्नमेंट की बनी थी तो बीजेपी इसी तरह से कह रही थी, बीजेपी के नेता मिलने जा रहे थे गवर्नर से और कांग्रेस के नेता जा रहे हैं,
तो जनता को इससे राहत मिलने वाली नहीं, बयानों से काम नहीं चलेगा। लेकिन धरातल पे क्या अभी कुछ ज़्यादा डिमांड है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि मंत्री जी भी काफ़ी परेशान दिखाई दिए कि मैं हनुमान जी नहीं कि बिल्कुल भवन से पानी पैदा कर दूंगा, वो उसकी आवश्यकता भी नहीं है, भगवान ही है। लेकिन लग क्या है आपको? देखिए मुझे लगता है, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी जो वजह है इस बार पानी की किल्लत, उसके पीछे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो कंटिजेंसी प्लान को लेकर। दरअसल होता क्या है कि दिसंबर में आपकी सरकार चुनी जाती है, जनवरी या फरवरी के अंदर आपका एक कंटिजेंसी प्लान होता है, प्लान के तहत आप सेंक्शन करते हैं और उसके बाद में आप उस जब पैसा टेंडर होते हैं, टेंडर के बाद पैसा होता है। आपको मंत्री ने स्वीकार किया कि आचार संहिता मिड अप्रैल में लगने वाली थी, उसके दो दिन पहले, एक दिन पहले कंटिजेंसी प्लान बनाया। ये मंत्री के शब्द हैं, ये बीजेपी के नेता को लिए मंत्री के शब्द हैं। मंत्री ने कहा कि पहले हमने ये प्लान बनाया, दो दिन बाद में आचार संहिता लग गई। अब हमको उस सेंक्शन के लिए चुनाव के पास जाना पड़ा, चुनाव आयोग से जाकर, और वो इन्होंने जो कंटिजेंसी प्लान का से जो अप्रूवल लेना था वो वहां से। अब उसमें डिले होने बाद में जब काम शुरू हुआ तब तक गर्मी आई, जब काम शुरू हुआ अधिकारी लेवल पर या निचले स्तर पर गया, उसमें काम हो नहीं पाया। अब उनके स्तर पर सबसे मुझे जो दिक्कत है एक पानी को लेकर, मैंने करीब से देखा है, अध्यक्ष साहब अभी कह रहे थे कि कंट्रोल रूम हमारा मॉनिटर काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। आपको मैं फोन देता हूँ, नंबर देता हूँ, यहीं से लगा लीजिए। आपका कंट्रोल रूम का नंबर न्यूट्रल, कल मंत्री के सामने हुआ कि मंत्री के यहाँ से फोन लगाया गया, चार फोन मंत्री के यहाँ से लगाए गए, फोन नहीं उठा। फिर मंत्री के पीए ने संबंधित अधिकारी को बोला इस नंबर पे आप फोन करें, तब फोन किया गया, तब उस व्यक्ति ने वहां से फोन उठाया। उसको तक को तो यहाँ तक पता नहीं था कि आपके पास इनकी शिकायत कितनी है। उसको मंत्री की तरफ से कहा, कन्हैया लाल चौधरी बोल रहा हूँ, पीएचडी मंत्री, आप शिकायतें बताइए। तब उसने कहा साहब एक दो चार पन्ने भरे, 50 हो सकते हैं। निस्तार क्या, बोले साहब मैं तो सोच के बताऊंगा। कुल मिलाकर नीचे के स्तर पर हो सकता है की कोई गलती नहीं हो, लेकिन निचले स्तर पे जो मॉनिटरिंग का अभाव कहीं ना कहीं सामने आया, उसी की वजह से जयपुर की या अन्य जो हालात बदले, हालात इस तरह से बदले कि टैंकर की जो आप व्यवस्था करनी थी आपको या तो अधिकारी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए, आपको बता नहीं पाए, आप मॉनिटर नहीं कर पाए। कल जब मंत्री ने बयान दिया, मैं सबसे बड़ी खबर पे यह भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है। मुख्यमंत्री ने 5-7 दिन पहले मीटिंग ली, कल जब मंत्री ने या तो आज मुख्यमंत्री ने फिर मीटिंग ली, और उस मीटिंग के बाद मंत्री आज दोपहर में औचक निरीक्षण पे निकले। पहले वो कंट्रोल रूम नहीं गए, क्योंकि कल उन्होंने वाकया देख लिया था कि कंट्रोल रूम में ये स्थिति है। आपने इस कंट्रोल रूम की क्या हालत की, अब उसको कैसे सुधारा जाए? आपने जैसा कहा कि हमने भी अपनी जन टीवी खबर के माध्यम से ये मुद्दा उठाया था 4 दिन पहले कि कंट्रोल रूम कैसे काम कर रहे हैं। हमने कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया, जो हालात थे हमने मंत्री को बताया या संबंधित विभाग के इंजीनियर को बताया, तब एक भी वहां पर सस्पेंड हुआ। ये 4-5 दिन पहले की बात है। अब मंत्री आज फील्ड में उतरे, भजनलाल शर्मा लगातार ये मैं कह रहा हूं कि कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हालात नहीं खराब हो प्रदेश में। बिजली पानी गर्मी के मौसम में सबसे महती आवश्यकता है, चाहे वो व्यक्ति गाँव में बैठा है चाहे शहर में बैठा है। इसमें मुझे लगता है जो लेकुना हुआ है वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव है, अधिकारियों ने गफलत में रखा मंत्रियों को, और इसी की वजह से हालात बिगड़े। जी जी, आपको क्या लगता है कि देखिए सरकार है, मंत्री जी से ज्यादा जवाब तो आपके स्पोक्स पर्सन को देना पड़ता है, कभी जाके कोई स्थिति का जायजा लेने की कोशिश करता है कि हाँ देखें तो सही, हम भी वाकई चल क्या रहा है। मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा, हमने खुद ने हमारे स्तर पर जाँच करवाई है, चेक करवाया, हमने सिंह को भेजा वहाँ पे और उस स्थिति को देखा, को बताया, मंत्री ने खुद ने फोन किया, 4 बार में भी उस कंट्रोल रूम फोन नहीं उठा। तो कभी कभी आपको नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक के नाते खुद को ट्राई करना चाहिए कि वास्तव में ऐसा हो रहा? मैं अभी भी कहूंगा कि बिजली पानी महिला अपराध ये सियासत के मुद्दे ही नहीं है, ये राहत देने के मुद्दे हैं और स्थिति सुधारने के मुद्दे हैं। किसी के सुझाव आए तो उसको दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन अगर आपका अवसर लगता है तो आप लोग नहीं चूकते हैं, जब आप नहीं चूकते तो दूसरा भी चुप नहीं रहेगा। ये मुद्दे ऐसे हैं और राजस्थान की विषम परिस्थिति है, कोई भी मुख्यमंत्री हर यही डिमांड करता है कि राज्य को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो ट्रीटमेंट साथ में हो नहीं पाया। वसुंधरा भी वक्त देखा, हर बार विधानसभा में जब भी बजट आता था उनकी डिमांड होती थी, अशोक गहलोत की डिमांड रही, लेकिन स्थितियाँ नहीं बदली। तो अभी क्या लगता है आपको कि वास्तव में टीम के कार्यकर्ता के नाते, आप स्पोक्स पर्सन के नाते, नागरिक के नाते
कभी किसी को चेक करना चाहिए कि वास्तव में कंट्रोल रूम के नंबर दिए, हम खुद करके देखें। योगेंद्र जी आप जो चीज कह रहे हो तो तीन दिन पहले भी इसी मुद्दे पर डिबेट हुई थी। कल नहीं, आपके यहाँ नहीं, मैं जी न्यूज पे गया, तीन दिन पहले इसी मुद्दे पर डिबेट पे गया था, और उस डिबेट जाने से पहले मैं कम से कम 15 जिले के अंदर जो कंट्रोल रूम आए थे उन पे फोन किया था, सभी ने मेरे फोन उठाए थे और उनसे सबसे मैंने जानकारी ली थी। जयपुर में मैंने चौधरी जी है उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला 300 शिकायतें आई 17 तारीख से लेके। इसी तरीके से मैंने अजमेर में मिलाया था कि साहब 40 आइए, अलवर में मिलाया था, इस तरह से मैंने 15 जिलों के अंदर फोन मिलाए थे और उन सब में जो भी मोबाइल नंबर थे मैंने मिलाए थे और उन्होंने बताया था। इसलिए आप ये कहना बंद करिए कि हम भी कार्यकर्ता, हमारे को भी समस्या, लेकिन हमने भी फोन मिलाया था, फोन उठाए मंत्री साहब, हो सकता है कोई बात नहीं नहीं उठाया होगा, लेकिन इसका ये नहीं है कि कर्मचारी काम कर रहा है अधिकारी कर रहा है। मैं कर्मचारी अधिकारी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ये पानी की समस्या है, होती है और हमेशा गर्मी के टाइम होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ 5 साल तक अपने ERCP को लटकाया भटकाया क्यों रखा था, को लटकाया क्यों बरकार था? अगर आप नहीं संवेदनशील होते तो ERCP को जब हम आए थे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ की जल जीवन मिशन में हमने 20,000 करोड़ रुपए भेजे थे, उसको क्यों आपने बट्टे खाते में लगा दिया, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी है। तो ये सब नकारा निकम्मा की जो सरकार थी ना 5 साल, उसका नतीजा है कि हम चीजें भुगतनी पड़ रही है। हमारी सरकार जब से आई है तब जनता के हित में काम करते आए, बराबर मुख्यमंत्री जी बार मीटिंग लेते हैं कि नहीं मुझे जनता की सेवा करनी है, जनता की जो भी समस्या है तुरंत एक्शन लो। मुख्यमंत्री जी ने बार बार मंत्री जी बुलाया और मंत्री जी भी एक्शन में है, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे, भ्रष्टाचार के लिए नहीं आए, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया। कभी की बिजली के, अरे भाई बिजली यूनिट की अगर एग्रीमेंट आपने किया, अरे एग्रीमेंट में ये लिखा आपको अभी ही देना पड़ेगा, तो हमको अभी ही देना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्रीमेंट है, नहीं तो हम नहीं देते। लेकिन एग्रीमेंट है 34,600 लाख यूनिट का एग्रीमेंट है, उसमें से हमने 13,200 लाख यूनिट देनी पड़ी एग्रीमेंट की वजह से। तो ये इधर उधर की बातें नहीं करें, कुछ समस्याएं ऐसी है जो आपने पनपाई है यहाँ पे राजस्थान के अंदर, उस समस्या को सोल्व करने में हमें समय लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में बिजली कटौती वो नहीं है जो कांग्रेस सरकार में होती थी 8-10 घंटे तक बिजली, जैसे ही अब ये बोल रहे थे कि रात को चली गई, अरे भाई रात को जाने का मतलब थोड़ी कि बिजली कटौती हुई है, उस ट्रांसफार्मर पे लोड होगा, उस ट्रांसफार्मर को जलने की वजह से या ट्रांसफार्मर के ब्रस्ट होने की वजह से लाइट गई होगी रात को, ऐसा नहीं है कि बिजली की कटौती हुई है। और फिर ट्रांसफार्मर एक घंटे का ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है, पहले यह हालत थी कि दो तीन दिन तक ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होता था। ये हालात हम जनता के लिए सेवा के लिए बने हुए हैं, अब पुराने ट्रांसफार्मर है उसमें भी भ्रष्टाचार किया होगा, अब ट्रांसफार्मर का लोड है, कैपेसिटी होती है, उसको चेंज करने में भी टाइम लगता है। तो ये चीजें जनता देख रही है, जनता की सेवा के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, काम करते आएंगे, उनकी जो भी डिमांड है उसको पूरा करेंगे, बिजली की आपूर्ति भी बराबर बनाए रहेंगे, पानी की आपूर्ति भी करेंगे, जड़ से भ्रष्टाचार भी खत्म करेंगे। और क्या चाहिए, अब तो भरोसा है आपको, कांग्रेस को कभी भ्रष्टाचारी लोग उनको कभी विश्वास नहीं होता। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो राजनीति होती है वो जनता को गुमराह करने की, कांग्रेस में आरोप लगाने की होती है। अभी वाले बात मेरे बड़े जी ने इस बात को कहा कि साहब ERCP वाले बात की, यमुना जल समझौते की इन्होंने बातें की और भी इन्होंने बड़ी बातें की। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि आप यमुना जल समझौते के जिस मामले में अपनी पीड़ा पा रहे हैं उसकी हवा तो आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी ने निकाल दी थी कि भाई हमारी जब यहां की पूर्ति हो जाएगी 24,000 इनको नकार दिया ना गर्ग साहब, सुनिए जनता ने नकार दिया तभी तो आप उधर बैठे हैं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, एक बात सुनिए आप एक शब्द जिसमें मेरे को ऑब्जेक्शन है, कभी लोग हम क्यों सुने, भ्रष्ट लोग हैं ये आप तय नहीं करेंगे सर, कुछ चीजें हमारे लिए सर सुनिए। देखिए बीजेपी के ऑफिस चर्चा नहीं हो रही है, सॉरी बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो 5 साल इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, अब आप
जवाब आपको पानी बिजली पे देना है, आप भ्रष्टाचार पे घुसते जा रहे हैं, आप सरकार है, आए दिन जांच कराइए, जो हमको ले जाइए वो लेके जाइए। अभी तो आप जवाब तो सुनिए, बोलिए, सुनिए जवाब, सुनिए एक बार, और आप ये तय मत करिए कि हम सुने नहीं सुने, आपका काम आए हैं, आप भी अतिथि हैं और ये भी अतिथि हैं, आप सुनिए, धैर्य से सुनिए, उम्मीद भी सुनिए, बोलिए आप, बोलिए आप। गर्ग साहब इस बात को जानते थे कि मैं इनकी जो आरोप लगाया उनकी पोल खोलने जा रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं बोलने दे रहे थे, जल्दी खोले, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, इन्होंने यमुना जल समझौते की बात करी, चॉइस इनके खुद के मुख्यमंत्री, एक बात तो पानी की बताइए, देखिए पानी की स्थिति के मामले में बताना चाहूंगा, मैं एक तरफ ये कह रहे हैं कि साहब आपकी कांग्रेस का समझौता था तो आपके समझौते की हमें पालना करनी थी, गर साहब आप तो सीए हैं, आपको पता होगी चीज ये, उद्योगपति को साधारण आदमी जब बैंक से कोई लोन लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, आपके प्रधानमंत्री जब उद्योगपतियों के, जब आपके प्रधानमंत्री जी इंटरफेयर करके उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए के लोन करवा सकते हैं, तो क्या देश की जनता के हित में बीच वाली एजेंसी पे इंटरफेयर करके एक महीने के लिए नहीं अटकाई दे सकते, आपको पता है, अब आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं आपकी बात को, आपके चिल्लाने से कुछ होगा, मैं आपको कह रहा हूं जब आप उद्योगपतियों के लोन माफ करवा सकते हो आप, तो आप यहाँ पे बिजली की वसूली को एक महीने के लिए रोकवा सकते हैं, समझ के बाहर चीज है, अपनी हर योग्यता को आप कांग्रेस में थोपते हो, अरे भाई करो कांग्रेस में थोपना बंद करो, अपनी जिम्मेदारी संभालो, जिम्मेदारी संभालो, उद्योगपतियों की गोदी से उतरो, उद्योगपति आपके पास टेम्पो भर वोट पहुंचाते हैं, जनता को आपको वोट देती है, जनता के हितों में जितना आपको दर्द उद्योगपतियों का आता है उतना दर्द अगर आपको जनता के आने लग जाए तो कांग्रेस आपके साथ सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाएगी, हमें आपत्ति इसी बात से होती है कि आप अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, आप विपक्ष चाहते, आप विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते, आप तानाशाही लाना चाहते हैं। मेरे पड़ोस एक सवाल है मेरा, मुझे बताइए अखबार टीवी चैनल्स की खबरों के आधार पे आप लोग जागरूक हो रहे हैं, आप लोग भी कंट्रोल रूम में गए हैं, क्योंकि बहुत भाग्यशाली हैं गर्ग साहब, मैंने बैठे बैठे गर्ग साहब एक नंबर लगाया अभी कंट्रोल रूम का, पिक नहीं हुआ है फोन, मैं चाह नहीं मेरा योगेंद्र जी अभी आप लगा के बताइए, तो एक चीज आपके पास 15 नंबर है, 3 दिन 15 नंबर है, और मैंने हाँ मैं अभी लगाऊंगा, फोन लगा दीजिए, आप मिलाइए फोन लगाइए, आप एक बार लगा दीजिए, चलिए आप बताइए, आप जाके देखे हैं कि देखिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन कार्यकर्ता साथ में आम जनता भी हैं, और आम जनता से कनेक्टेड रहना एक हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वभाव में होती है, खुद भी भुगत रहे हैं, हमारे पड़ोस के लोगों को भी भुगत रहे हैं, शहर के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी भुगत रहे हैं, और राज्य के अन्य क्षेत्रों में जो हमारी कांग्रेस पार्टी के संगठन कार्यकर्ता है उनकी जो हमारी बातें होती है, निश्चित तौर पर राज्य का स्थिति है, जयपुर राजधानी के स्थिति, आप सोचिए दूर खेड़े कई गाँव की वहां पर क्या स्थिति हो रही है पानी की, जहां पे सप्लाई सरकारी तौर पर 3-3 दिन में पानी होती है, पानी की होती है, वहां पे टैंकरों के अंदर घोटाला हो रहा है, देखिए हाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा सर, निश्चित तौर पे आपदा में सरकारी इसको अवसर की तरह ले रहा है, और इसको जहां पे पानी बेचने की बात हो रही है वहां पे सरकारी टैंकर बेचे जा रहे हैं, उपयोग नहीं किया जा रहा, दुरुपयोग किया जा रहा है, और दूसरी बात मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, मैंने कहा कि ये जो सरकार है ये पर्ची की सरकार है, योग्य लोगों की जगह अयोग्य लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, गर्ग साहब ने भी एक बात कही, मैं एक बार बताइए, एक बार सुने, योग्य किसी भी मुख्यमंत्री का योग्य और अयोग्य होने का फैसला कौन कर सकता है, उसके उसकी कार्यप्रणाली है कि निश्चित तौर पे, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं मेरी आपत्ति थी गर्ग साहब सीनियर है, उन्होंने फोन मिला 15 जगह इनके कहने से फोन उठा लिया, मंत्री के फोन उठते फोन उठ जाते हैं, मैं तो कह रहा हूं मिला रहा हूं आ रहा है फोन उठाएंगे, मैं तो मिला रहा हूं ना, तो मिला रहा हूं, मैंने तो फोन किया तो उठाया, अग्रसर साहब के 15 15 कांग्रेस पार्टी यही बात बोलती है जैसे सीनियर लोग बोलना चाहिए, उठ गया बात करिए, लो ये रे फोन करिए बात, मैं कह रहा हूं ना बात कह रहा हूं मैं इस बात को, ये रे कंट्रोल रूम के नंबर है, कंट्रोल रूम के नंबर है, बात करिए, इस मामले में थोड़ा कहना चाहता हूं, ये कंट्रोल रूम के नंबर निजी नंबर नहीं है, आप मैं लिस्ट देता हूं, लिस्ट के अंदर नंबर है, लिस्ट के नंबर है, ये चला रहे हम भी चला रहे, ये नंबर लिस्ट के अंदर है, जो बिजली और पानी का, मैं यही बात कह रहा हूँ, आप जैसे सीनियर आदमियों को सरकार को कमान देनी है, मैं भी ये बात कह रहा हूँ, आपके समर्थन की बात कह रहा हूँ, आप नहीं लोग मंत्री बनेंगे, एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप करिए इंचार्ज जयपुर के, एक बार सुनिए तो सही, जयपुर के इंचार्ज है, आप किसी कंट्रोल रूम पे कहीं पे गए क्या आप लोग, देखिए योगेंद्र आप लोग गए क्या कहीं, मैं इस बात क्या किसी जिले में गए हो,
जी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, नहीं तो मुझे आप एक बार बताइए, आप गृह साहब आपने आपकी बात तो कह दी अभी मंत्री के फोन नहीं उठते, यहाँ पे बैठ के योगेंद्र जी फोन मिलाते हैं, ये नंबर है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना, मैं तो गौरव साहब मैं यही बात कह रहा हूँ, आप जैसे सीनियर लोग हैं। कुछ कह रहे हैं आप, सुनिए एक बात सुनिए। देखिए मैं गौरव साहब को भी कहना चाहूँ, इन्होंने जो फोन लगाया है वो नीतू चौधरी को लगाया है फोन। नहीं नहीं, पेट्रोल के नंबर है, ये इसमें नाम दे रखा है कि आप मेरे नाम अगर एक नाम आएगा। मेरी बात आप सुनिए, कंप्लीट करने दें, आप अपना जवाब दे सकते हैं। आपने एक्सीएन को फोन लगाया है, अगर जन टीवी का कोई कंट्रोल रूम नंबर है वहां पे फोन लगाया जाता है, मैं आपको नंबर देता हूँ, इस नंबर पे लगा नहीं उठेगा, उसके बाद आप योगेंद्र सर को फोन लगाएंगे यार, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ कंट्रोल रूम इंचार्ज, ये लिस्ट है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ कंट्रोल रूम इंचार्ज, कंट्रोल रूम का नंबर है क्या? दशरथ जी आपने जो नंबर आपने हर व्यक्ति ने, मैंने जो फोन किया कंट्रोल रूम में किया, नीतू चौधरी कंट्रोल रूम की इंचार्ज है, नंबर हर किसी के पास में नहीं है, पब्लिक में है, पब्लिक में वो दिया नंबर तो सही, सुनिए तो सही, पब्लिक में नंबर है। कोई कंट्रोल रूम के फोन क्यों नहीं उठने चाहिए, मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं उठने कंट्रोल रूम के फोन? देखो मेरी बात सुन, लैंडलाइन नंबर है, कंटिन्यू फोन जाते रहते हैं, इस वजह से फोन नहीं होंगे, इस वजह से दूसरे हमने अल्टरनेट नंबर दिए हैं, अगर वो नंबर नहीं है तो उसके सेकंड अल्टरनेट नंबर दे रखे कि वो इंचार्ज है, इसके नंबर ही है, डोमेन आप ये लिस्ट स्पाइट करवा दीजिए, चलिए हम चलाएंगे इसको, चलाइए ये लिस्ट, आप एक बार बताइए, आपने सभी मीडिया वालों के पास में ये लिस्ट प्रोवाइड है, हम मीडिया से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप एक काम करिए ना, एक बीजेपी में भी कंट्रोल रूम चला दीजिए, आप तो मंत्रियों के साथ जन सुनवाई करा रहे हैं, तो इसका भी एक सिस्टम सेट करा दीजिए, ताकि अगर 4 जून के बाद जन सुनवाई होगी हमारे पार्टी का, बिल्कुल। तो मेरा सुझाव है कि वहां पे भी कंट्रोल रूम, जो वाकई देखिए पानी की परेशानी है और बिजली की परेशानी है, राजनीतिक दल अपने तरह से रोटियां सेकते रहेंगे, बीजेपी ने सेकी, अब कांग्रेस सेक रही है, इससे राहत नहीं मिलेगी, राहत तो तभी मिलेगी जब वास्तव में इल्जाम उसी तरह किए जाएंगे, भाई झल्ला मस्ता रहेगा और जनता परेशान होती रहेगी। हो सकता है कि उदाहरणों में ये नहीं होता, हर अधिकारी या हर कर्मचारी लापरवाह है, जो लापरवाह, 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी सचिव गए हुए हैं, वो 31 तारीख को लोड करेंगे कि वास्तव में रिपोर्ट्स कैसे रही, जिलों में क्या परेशानी है, उस आधार पर मुझे लगता है कि कोई इनको सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन आप केवल सरकारों के भरोसे मत रहिए, जो कुछ आज हम देख रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद भी हैं, आप व्यवस्था के लिए खोज करके रखिए कि वास्तव में पानी इंद्रदेव आता है, हम उसके लिए कितने रखवा लें, कितने देखते हैं, तो कटघरे में खड़ा करना एक मकसद नहीं होना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि मकान इतने बनते जा रहे हैं, पेड़ कितने लगाते हैं, वाकई ये सही है, ये बड़ी चिंता केवल राजनीतिक मुद्दे के आधार पर सिर्फ हमने इस वजह से कि इस पर सियासत भी हो रही है, तो बयानबाज कैसे बयान चलाते हैं, लेकिन धैर्य के साथ आप सुनिए, खुद भी की ओर से व्यवस्था रखें, अक्सर आप देखते होंगे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम समय रहते सावधान रहते तो इस तरह के हालात हमें देखने नहीं पड़ते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।